बुधवार की दोपहर 1 बजे करीब एसएससी बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी हुए, जिसमें दिग्रस शहर के मराठी, अंग्रेजी तथा सेमी इंग्लिश माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इस बार भी तहसील में 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में लड़कियों ने लड़कों को पछाड़कर अव्वल स्थान पर कब्जा जमाया। दिग्रस तहसील में 31 जुलाई तक जारी कर्फ्यू के दौरान आज बुधवार का दिन 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम जारी होते ही छात्र छात्राओं के उम्दा प्रदर्शन की चर्चा और खुशी से भरा रहा। मालूम हो कि शहर के विद्यानिकेतन स्कूल की छात्रा प्राची गावंडे और विद्या भारती की छात्रा पूर्वा कोंडावार ने तहसील में अव्वल स्थान हासिल किया है। इन दोनों छात्राओं ने 99% अंक हासिल कर अपने स्कूल, माता पिता और अपने शहर का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही दिन बाय स्कूल के छात्र वेदांत चिंते ने स्कूल से प्रथम आते हुए 98.80% अंक प्राप्त किए। गौरतलब है कि 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों को लेकर पहले ही उत्सुकता देखने मिल रही थी। ऐसे में तहसील और शहर भर के लगभग सभी स्कूलों के विद्यार्थियों ने उम्दा प्रदर्शन कर जीवन की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले 10वीं कक्षा की परीक्षा में सफलता हासिल की है। रिपा मेहता राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना ही 1956 मध्ये झाली। 1956 पासून गेल्या 64-65 वर्षांमध्ये शाळेचा निकाल हा प्रथमच 90% वर लागलेला आहे। निश्चितच हा 90% वर लागणारा जो निकाल आहे आम्हाला पुढच्या वाटचालीच्या दृष्टीने प्रेरणादायी आहे। त्यानंतर निश्चितच ही गोष्ट मुख्याध्यापक म्हणून तसेच शाळा म्हणून आम्हाला निश्चितच ही गोष्ट अभिनंदनीय आहे, प्रशंसनीय आहे। मालूम हो कि शहर की मॉनिटर क्लब यानी नारायण राव कोशटवार इंग्लिश हाई स्कूल का कुल परीक्षा परिणाम 100% रहा। वही दिन बाय स्कूल का 95.97%, मोहनाबाई स्कूल का 97.3%, रीप मेहता राष्ट्रीय स्कूल का 90.4%, अल खुर्शीद उर्दू स्कूल का 96%, अंजुमन उर्दू हाई स्कूल का 88.15%, गालीपुरा स्थित नगर पालिका उर्दू हाई स्कूल स्कूल का 95.34%, सैनिक स्कूल का 96.87%, आदि स्कूलों के साथ ही ड्रीमलैंड, सरुबाई पाटिल मॉनिटर क्लब, विद्या भारती और विद्यानिकेतन सहित तहसील की कुल 6 स्कूलों ने 100% रिजल्ट हासिल किया है। वही दिग्रस तहसील का कुल परीक्षा परिणाम 96.43% है। NBCN न्यूज की ओर से सभी स्कूलों और कामयाब छात्र छात्राओं और विद्यार्थियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।